गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर वैभव भोसले। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग कैन। जैसे कि हम एक पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का एक सीरीज़ देख रहे थे रिसेंटली, मैंने दो तीन वीडियो भी डाले थे रिलेटेड टू हॉल टिकट कैसे डाउनलोड किया जाए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ग्लिम्सेस ऑफ पीसीएमसी। तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर पीसीएमसी का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ताकि आइडिया आ जाए कि कैसे सॉल्व करें। तो एक आप देख सकते हो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पिंपरी स्टाफ नर्स या पदाकरिता लेखी स्पर्धा परीक्षा दिनांक है 20/12/2015, मतलब 1/2015 का एक क्वेश्चन पेपर है। उसका टाइम भी दिया है उन्होंने 11 to 1, और उसके एकुन गुण मतलब टोटल मार्क्स है 200, और उसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं क्या क्या चीज़ आपको लाना चाहिए, कितने क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स से कैसे सॉल्व करना चाहिए। और ये ऑफलाइन एग्जाम था, एट प्रेजेंटली ये ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप ऑनलाइन एक मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली सॉल्व करके रखो। और उसके बावजूद में ये तो इंस्ट्रक्शन सर है 2015 का क्वेश्चन पेपर रहा, इसके बावजूद बहुत लोगों ने कमेंट किया था लास्ट में कि सर आपने बोला है कि नर्सिंग डोमेन कैसे है, उसने दिया ही नहीं। तो देखो मैं एग्री करता हूँ उन्होंने नहीं दिया, बट मैंने जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं हर एक एग्ज़ाम में नर्सिंग डोमेन कंपलसरी पार्ट है। तो इसमें भी देखो आप 20 मार्क का नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छा है आप एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना। नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आया तो आपका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें भी देखो आप फर्स्ट पार्ट जो भी है इट इज़ रिलेटेड टू नर्सिंग डोमेन, मतलब ये नर्सिंग डोमेन के रिलेटेड है। तो आप पर्टिकुलरली नर्सिंग के भी क्वेश्चन पढ़ो, बट ज़्यादा ध्यान आपका GK देन एप्टीट्यूड के ऊपर, जनरल रीजनिंग के ऊपर, इंग्लिश और मराठी ग्रामर के ऊपर रहना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। सो, आप इधर ऊपर देख सकते हो भाग एक संबंधित पदाचे विषय ज्ञान, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू नर्सिंग डोमेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने क्लियरली दिया है कल्डोस्कोपी। कल्डोस्कोपी का मतलब क्या है? सो कल्डोस्कोपी का मतलब ये है कि वजाइनल और जो भी पेल्विक पार्ट रहता है और रेक्टल पार्ट रहता है इसको क्लियरली विजुलाइज करता है। तो ऑप्शन थे डायरेक्ट विजुलाइजेशन ऑफ ट्यूब्स एडनेक्सिया ओवरी बाय इंस्ट्रूमेंट, विजुलाइजेशन ऑफ सर्विक्स ओनली, विजुलाइजेशन ऑफ ओनली पेरिटोनियल कैविटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो भी हो डी ऑल ऑफ दीज है। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोटल पेल्विक लिगामेंट। टोटल पेल्विक लिगामेंट तो वैसे ही सिर्फ मतलब ब्रॉडली कैटेगराइज किया तो 3 है और टोटली 5 है, तो इसका आंसर जो भी हो नन ऑफ दीज है। तो उन्होंने ए दिया था 81, बी 18, सी 17, तो नन ऑफ दीज, आंसर नन ऑफ दीज है। थर्ड है नॉर्मल फिल्टर हार्ट रेट एट 37 to 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। 37 to 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल फिल्टर हार्ट रेट कितना रहता है? तो आंसर है 120 to 160, बी, इसका आंसर है बी 120 to 160। फोर्थ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द फीटल सर्वाइवल बाय द मदर, मतलब मदर से फीटल सर्वाइवल कौन सा करता है? तो इसका जो भी आंसर है वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग से मदर को मालूम होता है कि हाँ बच्चा जिंदा है, तो इसका आंसर जो भी है वो फोर्थ का सी क्विकनिंग है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फिफ्थ इज डेसिडुआ इन पिपेरिनो इज नॉर्मली शेड एज, मतलब डेसिडुआ मतलब ये शेड ऑफ होता है, मतलब ये निकल जाता है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ए डेसिडुआ कास्ट। इसका आंसर जो भी है वो एक्चुअली जो भी कास्ट है वो जो भी शेड होता है ना उसके पार्ट को कास्ट बोलते हैं। तो डेसिडुआ का जो भी कास्ट है वो इसका आंसर है ए डेसिडुआ कास्ट। क्लॉड्स प्लेसेंटल रेमनेंट्स लोचिया ए डिफरेंट पार्ट्स है। देन सिक्स्थ जो भी है, सिक्स्थ वॉल्यूम ऑफ फ्लिकर अमनी एट 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इज, सबको मालूम है 40 weeks में यूजुअली 600 to 800 ml रहता है, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज सेवन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैटाटोनिया, मतलब कैटाटोनिया का कौन सा ए फीचर नहीं है? तो कैटाटोनिया में देखो मैनरिज्म भी रहता है, नेगेटिविज्म रहता है, कैटालेप्सी भी रहता है, बट इसका करेक्ट आंसर जो भी है जो नहीं रहता है जो ऑटोमेटिक ओबीडियंस है, ऑटोमेटिक ओबीडियंस इसमें नहीं रहता। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसोसिएटिव फिनोमेना, मतलब इसमें कौन सा डिसोसिएटिव फिनोमेना है? तो इसका आंसर जो भी है वो है फ्यूग आता है, फ्यूग एक डिसोसिएटिव फिनोमेना है। तो डेफनेस, अमनेशिया, लैक ऑफ इनसाइट ये अदर देन डिसोसिएटिव फिनोमेना रहते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब डिसोसिएटिव जो भी डिसऑर्डर्स है
इसने इधर फिनोमेना नहीं दिया है, डिसऑर्डर्स दिए है, तो ये सब में दिखते हैं, कौन सा एक में नहीं दिखता, हियरिंग में नहीं दिखता, अमनेसिया, फ्यूग, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में आते हैं, बट हियरिंग एक अलग डिसऑर्डर है, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है, तो ये अलग आता है। देन टेंथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बुलिमिया नरोसा इज, बुलिमिया नरोसा मतलब ज़्यादा खाना, तो इसका आंसर क्लियरली उन्होंने दिया है, एक्सेसिव ईटिंग फॉलोड बाय इंड्यूस्ड वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग भी करवा लेते हैं, एक्सेसिव डाइटिंग, लॉस ऑफ अपेटाइट, तो बुलिमिया दूसरा बुलिमिया आता है, बुलिमिया क्या दूसरे इसमें आता है, देन कॉमन इन मिडल एज वुमन, ये तो नहीं रहता, तो इसका करेक्ट जो भी आंसर है वो है एक्सेसिव ईटिंग फॉलोड बाय इंड्यूस्ड वोमिटिंग। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आर द डैश कॉन्फ्लिक्ट्स, सो इट इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, सो आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी, मतलब ये एक्सटर्नल होता है, नेचुरल कैलामिटी एक्सटर्नल डिस्टर्ब करता है, बट कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरली समझो कोई भी वल्कनो आया या कोई भी लाइक फ्लड आया, तो एक्सटर्नली तो होता ही है प्रॉब्लम, बट इंटरनली कैसे होता है, इंटरनली मतलब आदमी उसमें लाइक बहुत सारी चीज़ें खो देता है, तो इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस रहते हैं, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। Who developed the pure culture techniques? Okay, the pure culture technique is developed by option A, देखो जनर, रॉस, रॉबर्ट कोच और फ्लेमिंग, इसका आंसर है सी, रॉबर्ट कोच। तो 13th क्वेश्चन है, बायोकेमिकल इटियोलॉजी अल्जीमर्स डिसीज रिलेट्स टू, तो इसमें क्लियरली उसने लिखा भी है बच्चों ने, जो भी सेरोटोनिन है वो डिप्रेशन में होता है, डोपामाइन पार्किंसन में होता है, गाबा एंग्जाइटी में होता है, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है अल्जीमर का वो है असिटाइल कोलिन, असिटाइल कोलिन एक बायोकेमिकल इटियोलॉजी है, वो एक अल्जीमर को रिलेट करता है, सो आंसर इज बी असिटाइल कोलिन। 14th, दिस टाइप ऑफ एनिमा इज यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, तो इसमें नाम में ही है, दैट इज कोल्ड एनिमा, कोल्ड एनिमा ये क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, बाकी के जो भी अनस्थेटिक एनिमा, तो अनस्थेशिया देने के लिए परगेटिव और कर्मिनेटिव, ये थोड़ा फ्लेटस निकालने के लिए हो या मतलब कॉन्स्टिपेशन को रिल्यू करने के लिए देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल मॉइस्ट हीट अप्लीकेशन, तो उसमें ऑप्शन है ए कोल्ड बाथ, हॉट पैक्स, वर्फुल बाथ, स्टीम बाथ, तो इसका आंसर है ए कोल्ड बाथ। सो 16th है, इफ़ अ रेस्पिरेटरी रेट गोज अबाउ 24 पर मिनट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम यूजली, टेकिपनिया बोलते हैं। सो डिस्पनिया इज लाइक लोअर देन 16 ब्रीथ्स पर मिनट, देन बाद में आता है यूपनिया और नन ऑफ द दिस, ये ऑप्शन उसके नहीं है। नेक्स्ट इज 17th, इन कोल्ड स्पॉन्जिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज केप्ट बिटवीन, सो ऑप्शन ए है 65-90 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 90-100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95-105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90-101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका आंसर है ए 65-90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए कोल्ड स्पॉन्जिंग में यूज करते हैं तो रिड्यूस द टेम्परेचर। नेक्स्ट 18th, अ क्लाइंट विथ क्रोनिक लंग डिसऑर्डर रिक्वायर्स सम सप्लीमेंट ऑक्सीजन, द नर्स एंटीसिपेट्स दैट द सेफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन वुड बी एट 2 लीटर पर मिनट वया नेजल केनुला, 6 लीटर वया फेस मास्क, 8 लीटर वया पार्शियल रीब्रदर मास्क और 10 लीटर वया नॉन रीब्रदर मास्क, तो आंसर इसका 2 लीटर वया नेजल केनुला, मतलब लंग डिसऑर्डर है ऑलरेडी, लाइक प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सपांशन और ये नहीं हो रहा है, तो 2 लीटर रखना है, मतलब जितना कम रखते उतना यूजली अच्छा है, बट नेजल केनुला से है तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी अच्छा रहेगा। 19th क्वेश्चन जो भी है, देखिए रेस्पिरेशन मीन्स, तो रेस्पिरेशन ऑप्शन है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पॉज, ऑल ऑफ दिस, सो तीनों के तीनों रहते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ दिस। देन 20th क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो सब जितने भी सेंटर है, रेस्पिरेटरी हो या बाकी के लाइक हिकअप सेंटर हो या आपके पल्स, मतलब जो भी रिलेटेड टू हार्ट बीट सेंटर हो, वो सब मेडुला ओब्लांगेटा में आता है, तो आंसर इसका जो भी हो मेडुला ओब्लांगेटा है। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्सिंग डोमेन सेक्शन, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल क्वेश्चन, और हम उसको एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू सो मच।